तब क्या हुआ? मेरा कुमकुम। ओह, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगा दूंगा। नहीं, कुमकुम का मिटना अपशगुन होता है। कौन सा अपशगुन होता है? हमारी शादी हो गई, इससे ज्यादा शगुन शगुन क्या होगा? सब शगुन होगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ लेकिन नहीं, मुझे अभी कुमकुम लगाना है। हाँ कर दू, कोई दुकान वुकान नहीं है रास्ते में, पर चाहिए मुझे अभी कुमकुम। लगा दूंगा बाद में, ठीक है? आप नहीं समझ रहे। भगवान करे सब ठीक हो। बस तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। एक काम करते हैं, अंकल आंटी को फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, मन हल्का हो जाएगा। क्या बोलती हो, लगाओ फोन। अरे यार, उनका नंबर तो लिया ही नहीं। पूरब को फोन कीजिए ना, आपने आंटी के नंबर से पूरब को फोन किया था, याद है? संगत का नतीजा क्या होता है, एक ही दिन मेरे साथ रहकर तुम इतनी स्मार्ट हो गई हो, जस्ट इन वन डे। पूरब, थैंक गॉड, पता कितना रिलीफ मिलता है तेरी आवाज सुन के। कहाँ है तू, सब ठीक है ना? प्रकृति कैसी है? हाँ सब ठीक है यार। पर हो कहाँ तुम लोग? हम घर ही आ रहे। सुन एक काम करना, मैंने जिस नंबर से फोन किया था वो नंबर मुझे भेजना। अरे यार तू अभी के अभी घर आ जा, प्रिया बहुत अपसेट है। क्यों, क्या हुआ? यार वो रणबीर ने उसे मजाक में कह दिया कि तेरी जान खतरे में है। भाई तू हंस रहा है? ये रणबीर भी ना, उसकी काली जुबान है यार। मतलब? मतलब ये कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है शायद रणबीर की काली जुबान की वजह से हो रहा है। ये सब ना वो आर्यन की कंपनी का नतीजा। मेरे बेटे को कुछ मत बोल। और मेरे बेटे को भी मत बोला। दोनों को मिर्ची लगी, खेल लो डांडिया। हाँ तू घर पे आ, तू घर पे आ, तुझे बताते हैं। ना मिर्ची लगी ना तड़का लगा, फिलहाल विक्रम और पूरब का भड़का लगा। चल घर पे आ। आता हूँ यार, वो नंबर भेजो। के हाँ हाँ मैं सेंड करता हूँ, चल बाय बाय। आदमी है यार। रुक नंबर सेंड कर जल्दी। हेलो हेलो अंकल, आप ठीक तो है ना? गुंडों ने आप लोगों को कुछ कहा तो नहीं, कुछ किया तो नहीं ना? नहीं नहीं हम लोग ठीक है बेटा। नहीं अंकल, आपको छुपा रहे, कुछ तो गलत हुआ है ना? बताइए अंकल, कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं बेटा ठीक है हम लोग। तुम लोग कहाँ हो बेटा? कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे कोई है जो जानना चाहता है कि हम कहाँ हैं। तुमने बताया नहीं कहाँ हो बेटा तुम लोग? हम नेशनल हाईवे 55 पर हैं, क्रॉस रोड 10 पे। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अभिषेक प्रेम मेरा, मैं वचन लेता हूँ कि मैं तुझे और तेरी बीवी को आज रात मैं मार दूंगा, और अगर मैं तुझे नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो कल का सूरज या तो तुम दोनों देखोगे या मैं। अब कहाँ जाएंगे दोनों, लेकिन तुम दोनों अब ऊपर जाओगे। बता तो दिया तुम्हें उन दोनों के बारे में, अब हमें क्यों मार रहे हो? तुम सही कह रही थी, अंकल आंटी वहाँ अकेले नहीं है, क्योंकि मैंने अंकल से कहा नेशनल हाईवे 55 और अंकल ने कहा क्रॉस रोड 10। शायद उन गुंडों को नहीं बताना चाहते कि हम एक्चुअली हैं कहाँ। वो लोग बहुत खतरनाक है, और अंकल आंटी के साथ कुछ कर दिया तो। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। उन दोनों कैसे टेंशन नहीं लो, उन लोगों का काम है लोगों को मारना, और अंकल आंटी हम कुछ करते हैं, विल डू समथिंग। वैसे तो तुम दोनों उम्र के आखिरी पड़ाव पर हो, तो आखिरी इच्छा क्या पूछनी। एक काम करो, मौत की गहरी नींद लो और सो जाओ।
उठाओ उठाओ। बोलो बेटा। अंकल वो आपके सामने कौन है? कोई नहीं है बेटा। अंकल आप झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ कि आपके सामने वही लोग हैं ना जो हमें मारना चाहते हैं। आप जरा फोन देना उन्हें। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। देखो तुम्हें मुझसे मतलब है ना? हाँ। तो एक काम करो, अंकल आंटी को छोड़ो और फिर मैं बताता हूँ कि मैं एक्चुअली हूँ कहाँ, क्योंकि मैं क्रॉस रोड नंबर 10 पर नहीं। नहीं बेटा, इन्हें अपना ठिकाना मत बताना। आप टेंशन मत लीजिए, हमें कुछ नहीं होगा और हम आपको भी कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ हो तुम दोनों बताओ, मैं आ रहा हूँ। मैं नेशनल हाईवे 55 पर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, आकर मुझसे मिलो। ये तुमने क्या किया बच्चों? उन दोनों का प्यार एक दूसरे के साथ है और उस प्यार की ताकत, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत। क्या हुआ? वो आदमी पकड़ा गया, हम घर जा रहे हैं, तुम फिर भी टेंशन हो, क्या हो? पता नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। वाह कमाल है, जब तक गुंडे पीछे पड़े थे तब तक तुम ठीक थी, अब जैसे हम अकेले हो गए तो अजीब सा लग रहा है। बस ऐसे। कोई तो वजह होगी। कहा ना बस ऐसे। समझिए, अपने कुमकुम को लेकर परेशान हो ना। तो अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देते। अरे कुमकुम के बदले कुछ और भी मांग लिया होता ना, तुम्हारी कुंडली में ला कर दे देता। चलो। क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? तुम अब मुझे एक बात बताओ, तुम सच में डर रही थी या मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रही थी? आप फिर शुरू हो गए। अब क्या करूं, तुम सामने होती हो ना तो दिल जवान, मैं बच्चा हो जाता हूँ। दिल प्यार करने को तड़पता और मैं शरारते करने को तड़पता हूँ। धत क्या, तुम यकीन नहीं करती? अरे पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड, टीचर, वाइफ, इन्फ्लेटेबल, पता नहीं क्या क्या हो, फुगी, क्या बताओ तुम्हें? तुम होती हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। बस कोई बातें करवा ले आपसे। अरे तुम यकीन नहीं करती, पता है तुम पास नहीं होती हो ना तो मुझे भूख भी नहीं लगती। नो हंगर्स। ये आप प्यार का इजहार कर रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अरे तुम पास नहीं होते तो मुझे प्यास तक नहीं लगती। मतलब मैं आपकी बीवी नहीं, भूख प्यास हूँ। अरे दवाई भी हो तुम, पता है तुम पास नहीं होती हो, मैं चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो मुझे दवाई खाने का मन नहीं करता। हाँ बस अब ये मत बोलिएगा कि मिस स्नैक्स, गोलगप्पे, चाट पापड़ी हूँ। शी 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 शी, तुम दवाई, दारू, जिन, टॉनिक सब कुछ हो तुम, पता है जब तुम पास होती हो ना तो मैं लाइवली, एनर्जेटिक, सुपर हीरो, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, चोरू का गुलाम, सब कुछ फील करने लगता। बस बस बस, आप और बोलेंगे ना तो मुझे मुझे क्या, मुझे आपके भोलेपन पे प्यार आ जाएगा। अब तो और प्यार लुटाने का मन कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, तुम ये मुगैम्बो से चुई मुई सी कैसे बन गई? ऐसे ऐसे ऐसे। अरे वो देखो, राम जी सीता जी का मंदिर कर ले क्या? राम राम जय राम। शुक्र है भगवान कि अभी और प्रज्ञा का प्यार मिल गया, बस उन दोनों को जुदा नहीं करना। हाँ दोनों ने बहुत दुख देखे, अब इतनी खुशियां देना, इतनी खुशियां देना कि एक जन्म भी जीने के लिए कम पड़ जाए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे भगवान, ये दिया बुझ गया, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। नहीं नहीं, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, कोई अपशगुन नहीं होगा, मैं दिया फिर से प्रगटाती हूँ। अरे ये माचिस क्यों नहीं जल रही है? ठीक से जलाइए ना। ये दिया मैंने अभी और प्रज्ञा के नाम माना था और पर अब उनकी जोड़ी अब कभी नहीं टूटेगी।
चलो अब जो भी डर है ना उसे दूर कर दो। जितनी परेशानी सहनी थी उन्होंने सह ली, आप उन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता। तो फिर ये दिया क्यों बुझ गया? आप ठीक से जलाइए ना। नहीं जल रहा। आप मुझे दीजिए, मैं जलाती हूँ। दीजी, ये कुमकुम की थाल कहाँ रखूँ? तो रुक मैं बताती हूँ। दीजी जो भी करना है ना जल्दी कर लीजिए, एक बार प्रज्ञा घर के अंदर आ गई ना तो हम गृह प्रवेश कैसे करेंगे? चला जल गई। अब कोई टेंशन नहीं है, चलिए चलिए पार्टनर चलिए। भगवान जी, इनके बिना एक एक दिन एक साल जैसा गुजरा है, अब इनके बिन मुझे एक पल भी नहीं गुजारना। सर जी, ये जैसी भी दिखती हो, ये जितनी खूबसूरत दिखती है इसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही अच्छा है। तो क्योंकि इसका दिल अच्छा है तो इसके साथ भी अच्छा अच्छा कर दो ना, जो इसने मांगा ना इसे दे दो। इसकी विडो, आप अपने लिए कुछ नहीं मांगे? क्यों मतलब अगर मांगा होगा तो अपने अकेले के लिए थोड़ी ना मांगा, दोनों के लिए मांगा होगा कि हम हमेशा साथ रहे, हमेशा खुश रहे और ये लंबी उम्र रहे, यही सर। तो तुमने मांग लिया, इनडायरेक्टली मुझे मिल गया ना, और मुझे तुम मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। अरे तुम रो क्यों रही हो? व्हाई यू क्राइंग? व्हाट हैपेंड? बताओ मुझे क्या हुआ? भगवान जी ना बहुत अनफेयर है, या तो सब कुछ छीन लेते हैं या सब कुछ दे देते हैं। और फिर उस खुशी से, खुशी से क्या? उस खुशी से ही डर लगने लगता है। क्यों? सब कुछ मिल जाता है ना तो सब कुछ खोने का डर लगता है। देखो मैं तो कहीं जाने वाला नहीं, हाँ डेट हूँ मैं, और तुम जो हो ना तुम तो मेरा म्यूजिक हो, जिसे ना मैं कभी भुला सकता ना ही उसे कोई मुझे छीन सकता है ना। तुम वो धुन हो जिसे गुनगुनाने का हक सिर्फ मेरे पास है। अब अगर दिल के अंदर डर रहेगा तो ये आंसू तो बहते रहेंगे ना, उसे निकालो बाहर। घर चाहे कितना भी सिक्योर हो, तिजोरी भरी होती है ना तो चोरी का डर लगा रहता है। मेरे पास कुछ नहीं था तो कहाँ डरती थी मैं, अब सब कुछ मिल गया तो जब प्यार हद से बढ़ जाता है ना तो उसे खोने का डर भी हद से बढ़ जाता है। किसी को खोने का डर ना कुछ पाने की चाहत से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे लिए अपनी चाहत इतनी बढ़ा दो ना कि इसके अंदर डर के लिए कोई जगह ही ना रहे। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं नहीं जाने वाला तो क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? है भरोसा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। ओके मुझे बताया क्या किलर विलर की वजह से ना वो तुम पर पानी गिरा था, तुम्हारे कुमकुम मिट गया उस वजह से। आइडिया, लोग शादी किसी को या किसी को साक्षी मानकर करते हैं ना, हम ऐसी शादी करेंगे जिसमें कोई साक्षी ही ना हो, बस हम दोनों। देखो मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझसे प्यार करती हो, हमारी लव स्टोरी अलग है, हमारा जो प्यार है वो अलग है, तो शादी भी तो अलग होनी चाहिए ना। शादी तो हो चुकी है ना। अरे तो दोबारा होगी, ऐसी कस्में और ऐसी वादे और ऐसी क्या बोलते हो उसे, कस्में रस्में कस्में रस्में ऐसे होगी जो जिसे ना हम भुला पाएंगे और ना कभी तोड़ पाएंगे। बोलो
तैयार हो ऐसी शादी के लिए? लेकिन कैसे? तो शादी में क्या होता है, वो सात फेरे होते हैं ना, तो पहले फेरे में मैं वचन लूंगा, दूसरे फेरे में तुम वचन लेना, जो तुम बोलोगी मैं उसे सर आंखों पर रखकर एक वचन की तरह निभा लूंगा, और जो मैं बोलूंगा उसे तुम वचन की तरह निभा लेना। हाँ, लेकिन तीन वचन मैंने दिए, तीन आपने दिए, सातवें फेरे पे क्या करेंगे? बस ये प्रॉब्लम, टीचर जाग गया ना अंदर का है? तो सलूशन ये है कि सातवें फेरे पर ना हम दोनों ऐसी ऐसी वचन लेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जिसके बुनियाद पर ये रिश्ता टिकेगा और बनेगा जो भी होगा। ठीक है, करें फिर मारे राउंड। हेलो बॉस, क्या स्टेटस है? जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तेरे बच्चे के नामकरण पे नहीं आना है जो गुड न्यूज़ देता हूँ, मुझे उनकी मौत की खबर जल्दी चाहिए। आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है सर, अगला फोन उनकी मौत की खबर का होगा। हेलो, क्या इम्पॉसिबल? अभिषेक प्रेम मेहरा की मौत की खबर चाहिए थी, ना कि स्नेक कह रहा है सोने की। अग्नि कहाँ है? ऊपर खुला आसमान, नीचे धरती, चारों तरफ ये सुहानी हवा, और क्या चाहिए? बस तुम्हारा हाथ। तो पहले फेरे का पहला वचन ये है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। दूसरे फेरे का दूसरा वचन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। गुड वचन, चले। अब तीसरे फेरे का तीसरा वचन, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा तीसरा वचन। चौथा वचन, मेरा वचन है आपसे कि मैं कभी जानबूझकर आपको कोई दुख नहीं दूंगी। दर्द भी नहीं दूंगी। चले। तो मेरा पांचवा वचन ये है कि मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें लाकर दूंगा, हर वो खुशी जिसकी तुम हकदार हो, और जिसकी नहीं भी हो, खुशी तो खुशी होती है, नहीं? खुशी तो खुशी होती है। चलो। हाँ, तो मेरा छठवां वचन ये है कि लाइफ में कितना भी बड़ा डिसीजन क्यों ना लेना पड़े या लेनी पड़े,
मैं हमेशा तुमसे पूछ कर लूंगा। काहे हंस रही हो? ये वचन क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आजकल का जमाना है। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर लड़ लेते हैं, बड़ी बातों पर पता नहीं क्या होगा। तो जब कभी हमारी लाइफ में वो नौबत आए तो हमें बस ये वचन याद रखना होगा। करेक्ट। अब बारी है सातवें फेरे की, तो सातवें फेरे में एक वचन मेरा होगा, एक वचन तुम्हारा। तो तुम्हें मुझे कसम देनी होगी और मैं तुम्हें कसम दूंगा, ठीक है? तो पहले मैं करता हूँ क्योंकि जेंट्स फर्स्ट। तुम वादा करो मुझसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने कोई भी हो, अगर मैं तुमसे जाने को भी कहूँ तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं वचन देती हूँ, और मैं जो वचन आपसे मांगने वाली हूँ ये आपके ही वचन का एक्सटेंशन है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। मैं जैसे भी, जिस हाल में भी आपके साथ रहना चाहूँ, आप मुझे रहने देंगे साथ। वचन देता हूँ मैं।